जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इससे तकरीबन एक माह पहले हमने ये अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर आयर मीडिया के नाम से फाइवर का अकाउंट खोला, और मैं कुछ लर्निंग प्रूफ्स जो अर्निंग प्रूफ्स हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। वो ये हैं, अर्निंग्स के अंदर जाते हैं और देख लेते हैं। ये इसलिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल जाए, इसमें हरगिज भी कोई पम्प शो करना नहीं है, इसमें इतनी तो अमाउंट नहीं है कि कोई पम्प किया जाए। सो आई विल जस्ट शो यू, ये आपके सामने लोड हो रहा है। मई 6th है और थोड़ा सा इंटरनेट इज अ लिटिल वीक, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। या सो 3 तारीख को हमने पहला ऑर्डर किया, इट वाज $11.2, फिर 12, फिर 32, फिर 56, 4, 8, 11, इस तरह छोटे छोटे ये हमें ऑर्डर्स आते रहे। अच्छा, अभी जो मैं लेटेस्ट दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है। ये देखिए, एक जो लेटेस्ट ऑर्डर किया है वो $240 से मैं रिसीव हुए हैं उसके, मतलब $300 का था, 20% फाइवर ले लेता है, ठीक है। और ओवरऑल रेवेन्यू अगर देख लिया जाए तो नेट इनकम तकरीबन $600 हम कमा चुके हैं, एंड दिस इज फ्रॉम मई। ये पेमेंट्स थी हमें जो रिसीव हो चुकी हैं अभी। अच्छा, अब बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है कि यार हमने तो फाइवर को साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल हो गए हैं बनाए हुए, तो हमारा ग्रो नहीं कर रहा, तो ऑर्डर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अच्छा, उसके पीछे कुछ वजूहत हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जब आप ये अकाउंट बना लेते हैं, आई विल जस्ट शो यू वेरी क्विकली, तो आपको ये समझना है कि आपकी जो प्रोफाइल है, जो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जिस पर, ये प्रोफाइल लोगों को नजर आ रही होती है अगर लोग उसको ढूंढ रहे हो तो। सो फॉर इंस्टेंस ये आपको प्रोफाइल नजर आ रही है, इसके अंदर बेस्ट सेलर आ रहा है, कुछ रेट्स आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैरान होंगे कि ये रेट्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, और इसके पीछे भी एक वजह है, वो भी मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा। तो ये वीडियो डिटेल होने वाली है, जिन लोगों को बोरिंग लगे तो प्लीज़ बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग भी आपके लिए हो जाएगा। और अगर फिर भी ना इंटरेस्टिंग हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा ताकि कन्फर्म हो जाए कि डिसलाइक हो गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वर्क और देखते हैं कि किस तरीके से हमने ऑर्डर्स लेना शुरू किया। सो आई जस्ट क्विकली गो टू मोर एंड बाय रिक्वेस्ट। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको देखना है कि लोग जो बायर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो कस्टम बायर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर। ओके, सो अभी आप देख रहे हैं कि कोई एक्टिव रिक्वेस्ट इसमें नहीं नजर आ रही, लेकिन आप ये देखें कि पिछले 30-32 दिनों के अंदर जो हमने मेजर एक्टिविटी की उसके अंदर हमने 49 सेंट ऑफर कर दी हुई है। इसको कहते हैं मेहनत। आपको रोजाना की 10 ऑफर्स मिली हुई हैं, वो आपको भेजनी है। अभी मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि किस तरीके से मैंने ऑफर्स लगाई, किस तरीके से हमने यहाँ पे आयर मीडिया के पेज से ऑफर्स लगाई और देखा कि किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस, पर्सनलाइज्ड ऑफर लगाने का क्या तरीका है। तो मैं आपको कुछ दिखाने लगा हूँ ऑफर्स, और मैं उसको पैटर्न आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने उन ऑर्डर्स को लिया। तो जस्ट लुकिंग एट जो ऑर्डर हमें आ गया था उसको मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि यार जब हमने 10 ऑर्डर्स ऑफर्स लगा दिए आज कोई ऑर्डर नहीं आया। अरे भाई, इस तरह नहीं आएगा, आपको सब्र भी करना पड़ेगा, ऐसे पैसे थोड़ी आ जाएंगे। सो इट्स नॉट गोइंग टू गो लाइक दिस कि खुद ही से आ जाएगा सब कुछ। सो आपको थोड़ा सा सब्र भी ऑब्वियसली इसके साथ करना पड़ेगा। सो आई जस्ट कुछ हैं जो इसमें से पहले भी आ चुके हैं। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन फॉर इंस्टेंस। ओके, सो ये जो भी हैं भाई ओनाइस प्रोडक्ट प्रमोशंस वाले, इन्होंने एक ऑफर लगाई। ये देखिएगा, जब भी ऑफर आती है तो हमें कैसे नजर आ रही होती है, हम कहते हैं हमें नजर आ रहा होता है, आई एम लुकिंग फॉर अ कूल शॉर्ट एनिमेशन फॉर माई वेबसाइट, द आइडिया इज टू क्रिएट बबल्स कॉम्पोनेंट्स दैट आर ऑल 3D. अब वो 3D बबल्स मांग रहा है, ठीक है, और 3D हैं और सेंटर लोगो है, शोइंग ह्यूमन, एवरीथिंग ह्यूमन नीड्स टू बी बैलेंस्ड इन लाइफ, कुछ मूवमेंट्स चाह रहा है ऑब्वियसली। तो मैंने इसको पहले पूरा तसल्ली से पढ़ा और मैंने ये इसने जो लिंक दिया था इसको मैंने खोला। बहुत से लोग इसको खोलते ही नहीं है, वो कहते हैं वही अब बाहर ऑफर गायब हो जाएगी, कुछ नहीं होता। सो आई विल जस्ट शो यू कि उसने क्या भेजा था। सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, ये कुछ इसने भेजा था कि इस तरह के कुछ बबल्स हों, बबल्स आ रहे हों, ही डजंट रियली नो कि वो क्या कहना चाह रहा है। सो व्हाट डिड आई डू, मैंने इसको लिखा, ये देखिएगा, आई विल जस्ट ज़ूम इन दिस सो दैट इट्स इजी फॉर यू, आई सेड हाय, चेक दिस आउट, और मैंने आगे एक लिंक भेज दिया। ये देख रहे हैं, मैं ये लिंक आपको खोल के दिखा देता हूँ कि मैंने उसको सेंड किया किया, ठीक है। और फिर मैंने लिखा वी कैन डू ऑल एंड दीज काइंड्स टू, मतलब हम हर किस्म की और इस किस्म की भी कर सकते हैं। इनबॉक्स टू स्टार्ट, मतलब मुझे मैसेज करो स्टार्ट करने के लिए, $100, 2 days, कैन डू इन 1-2 इफ यू नीड, मतलब एक दिन में भी मैं कर दूंगा अगर आपको जरूरत है, लेकिन 2 दिन लगते होते हैं।
सो मैंने $100 जितना जितना उसने कहा था उतना ही लगा दिया। बहुत से लोग कहते हैं यार शुरू में नहीं, आपने थोड़ा रेट लगाना है, आप $10 में कर दो। अच्छा ठीक है, वो अपनी साइकोलॉजी है, सब लोग अपने मुताबिक। सो लेट्स लुक एट लिंक जो मैंने उसको सेंड किया, ये एक छोटी सी वीडियो, इट्स प्लेइंग, अभी आप देखें। इसके अंदर ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या। अब सवाल ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यार ये आपके पास एनिमेशन कहाँ से आ गई भाई, ये जो लिंक आपने लगाया हुआ है इसके अंदर, ये एनिमेशन आपने कहाँ से ली। तो उसकी लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, उसकी वीडियो भी मैं अगली आपसे शेयर कर दूंगा कि कहां से आप ये रिसोर्सेज ले सकते हैं अगर आपने खुद से नहीं बनाया हुआ। लेकिन मैं आपको अब फाइनली ये बताना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। ये ओना इस प्रोडक्शन वाले ने हमें ऑर्डर कितने का दिया, लेट्स लुक एट दैट। ठीक है जी, ओ सॉरी, ये भी आपको एक सीक्रेट जगह मैं आपको दिखाता हूँ जो दूसरे फेज ऑफ दिस वीडियो है। सो आई गो टू माई ऑर्डर्स, ठीक है, और कंप्लीटेड ऑर्डर्स, ये ओना इस प्रोडक्शन है, ये देख रहे हैं आप, और ये देखें $300, इट इज कंप्लीट, इट इज डिलीवर्ड, और बाकी भी ऑर्डर्स हैं बड़े वाले हैं। इसी तरह ये एक और ऑर्डर था, ये $145 का था जो हमने 27th of May को कंप्लीट किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फेस टू फेस बात करते हैं उसका, और फिर मैंने उसे को फौरन सैंपल दिया जो उसको चाहिए था, इसलिए मेहनत करनी पड़ी मुझे। कैसे मेहनत करनी पड़ी, मैंने उसका सैंपल को स्टडी किया, ये जो इधर सैंपल पूरा दिया हुआ था उसकी एग्जाम्पल को देखा, उसके मुताबिक रेलिवेंट वीडियो ढूंढी, उस वीडियो को मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं उस तरह का बना सकता हूं, तो मैंने उसको दिखा दिया ये एक सैंपल है। मैंने इधर इसको ये नहीं कहा कि भाई ये सैंपल मेरे पास, ये मैंने खुद बनाया है या नहीं बनाया, मैंने उसको उसने सैंपल उसे चाहिए था मैंने उसको दिखा दिया, और फिर मैंने उसको रेट लगा दिया और टाइम दे दिया, और अर्जेंसी के लिए उसको दिखाने के लिए कि नहीं ये हमें जो है ना हम जल्दी भी कर सकते हैं, तो मैंने वन डे भी कह दिया। तो ये मैंने एक सैंपल आपको दिखा दिया, अभी मैं आपको कुछ और सैंपल भी दिखाता हूँ जो ऑफर्स हम लगा चुके हुए हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ कि इवॉल्व कैसे हुआ। ये था अभी रिसेंट ऑर्डर, मैं बिल्कुल शुरू में जाने की कोशिश करता हूँ, शुरू में मैं कोई ऑर्डर आपको दिखाता हूँ या जो ऑफर्स मैंने लगाई वो मैं आपको दिखाता हूँ कि शुरू में ऑफर्स कैसे लगाना शुरू की मैंने। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म मैंने ट्राई किया, ये देखिए, अब ये रजा अली, ये $60 का था, तो मैंने इसके अंदर ऑफर कैसे लगाई। इसने लिखा, हाय, आई नीड अ मॉर्गेज ब्रोकर, आई एम अ मॉर्गेज ब्रोकर एंड आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट वीडियो एड फॉर माय बिजनेस बेस्ड इन यूके, माय आइडियल टाइम वुड बी 30 सेकंड्स टू अ मिनट एंड आई वुड लाइक टू हैव अ वॉइस ओवर ऑन इट एज वेल, हाउ मच वुड दैट कॉस्ट मी, आई गॉट सम सैंपल्स दैट आई वुड लाइक यू टू सी बिफोर मेकिंग वन, थैंक यू। तो उसने बजट कोट नहीं किया, तो मैंने उसको बजट 60 लगा दिया। अच्छा, ऑफर कैसे लगाई, मैंने कहा हाय दिस इज फैजान फ्रॉम टीम आयर मीडिया, मैंने ये एक छोटा सा आइकॉन इसमें इंसर्ट किया। इंसर्ट करने का क्या तरीका है, व्हाट्सएप पे जाएं, व्हाट्सएप वेब खोलें, उधर ये आइकॉन डालें अपने पीसी के ऊपर ही, ऊपर खोल के और उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करें, इस तरीके से ये हो जाता। वी कैन क्रिएट अ 2D एनिमेशन, बिजनेस प्रमोशनल वीडियोस, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, एक्सप्लेनर वीडियो, और कंबाइन द फुटेज यू प्रोवाइड अस एंड मेक अ नरेशन, वी गारंटी दीज थिंग्स, नंबर वन एंगेजिंग वीडियो, प्रोफेशनल सर्विस, बेस्ट सर्विस एट चीप रेट्स, बोनस भी दिया हमने एक, we will make a sample banner ad for promotion as well, all free of cost. To maine usko lalach bhi dene ki koshish ki, a slogan for your company, we hope this video will bring value and customers to your company, you scroll past our offer, you scroll past your luck, so inbox us right now and let's get started. Kya hua, order nahi aaya bhai. इसी तरह मैंने एक और भेजा, सिमिलर पैटर्न जो मैंने कॉपी पेस्ट, जिस तरह आप लोग ज्यादातर कर रहे हैं कॉपी पेस्ट, इसी कॉपी पेस्टिंग मैंने तीन ऑफर लगाई, जब मुझे पता लगा कि यार ये नहीं हो रहा, आई चेंज्ड इट, दैट्स द पॉइंट, यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू कंटिन्यूअसली इवॉल्व। फिर देखें मैंने एक और ट्राई किया, मैंने बिल्कुल एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की, आई विल मेक अ 3D डिजाइन विद योर लोगो रिव्यू, यू विल लव इट, इनबॉक्स टू सी व्हाट आई मीन। तो उसको जरा इंट्रीग करने की भी कोशिश की कि उसको दिलचस्पी डाली जाए बंदों को, ये भी काम नहीं कर रहा था। हर बंदे के मुताबिक डिफरेंटली, ऑब्वियसली हर बंदा एक डिफरेंट होता है, जो कस्टमर आ रहा है उसके मुताबिक आपको गेज करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के थ्रू ओवर टाइम व्हेन आई लर्नड इट, तो आई फिगर्ड आउट कि सैंपल देना बहुत जरूरी है। सो लेट मी शो यू द लेटेस्ट वंस अगेन, जो मैं अभी रिसेंटली भेजता हूँ, कोशिश मैं करता हूँ कि उसके अंदर सैंपल जरूर हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब ये है, इसके अंदर भी मैंने सैंपल लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे सैंपल रिक्वायर्ड, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तीन सैंपल लिख दिए, यहाँ पे मैंने तीन सैंपल दे दिए। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट ऑफर दिखाता हूँ जो मैंने लगाई है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार ये ऑफर्स कैसे लगा रहे हैं। इस तरीके को ट्राई करके देखें, आई होप इट वर्क्स फॉर यू एज वेल, इट वर्क्स फॉर मी परफेक्टली। अच्छा, यहाँ पे अभी आई विल जस्ट शो यू वेरी क्विकली, आई विल जस्ट स्क्रॉल थ्रू जो लेटेस्ट ऑफर लगाई हुई है।
Yeah, this one. Look, VLAD works. We're looking for a 2D whiteboard animation video with a visual art style like this. उसने एक sample दे दिया मुझे. This video will be about 60 seconds long in length. 60 second की video उसने बता दी. और उसने कहा कि female voice over चाहिए इसके ऊपर. उसने बाकी details बता दी. उसने मुझे budget दिया $950 का, 11 days का. Okay? So I like the number 11, so I kept it 11 days. But look what I did there. I exceeded by double the amount, 2000. और मैंने offer में क्या लिखा? मैंने कहा है, we can do it straightforward. Prices as per demand. Voice over $150 का होगा. You may hire someone else if you like. Sample one, price $600. मैंने एक sample one इसको attach करके दिया. ये कैसा sample है? आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपसे share कर दूँगा. Sample two, price $1200. तो मैंने इसको range दे दी. इसी तरह sample three, price $200 and so on and sample 4 ठीक हो गया. ये सारे मैंने samples इसको भेज दिए. So I tried to give him a range because he's trying to pay a lot of money. He's trying to pay a thousand already. So his mindset is such कि वो हजार comfortable है उसके साथ. So going around to 1200 or something might be a different story for him. वो हो सकता है वो उसको opt कर ले. So this is how I'm trying to reach out to customers with personalized offers. कभी कभार बहुत छोटा सेंटेंस भी लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये कभी कभार जब मैं थक जाता हूँ या व्हेन आई फील टायर्ड या मुझे लगता है कि इस कस्टमर को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताने की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रो वीडियो फॉर माय वेबसाइट, सम सॉर्ट ऑफ फ्लैशी एंट्रेंस विद लोगो एंड देन सम शोकेस ऑफ सम प्रोडक्ट्स वी सेल वुड बी गुड. अब इधर मैंने ये जब ऑफर भेज दी तो मुझे गलती महसूस हुई. यू सी मैंने क्या किया, वी कैन डू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वंस, इनबॉक्स टू सी सैंपल्स. अब वो पता नहीं वो मुझे इनबॉक्स करेगा या नहीं करेगा, उसके सामने क्या चल रहा है उसका पार्ट अब मैं आपको दिखाने लगा हूं कि जब मैं ऑफर भेज देता हूं अगले बंदे को क्या नजर आ रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी शो यू. ये देखें, अब मैंने ये एक ऑफर लगाई थी एज अ बायर, यानी कि आई गो बैक सी ये जो शख्स है इसको मेरी ऑफर्स किस तरह नजर आ रही है मुझे ये तो पता हो. आई नीड टू फाइंड आउट कि भाई इसको नजर क्या आ रहा है ताकि मैं उसके मुताबिक ऑफर लगा सकूं. सो लेट्स लुक एट दैट. तो जैसे मैंने ऑफर लगाई, अब मुझे इन लोगों ने ऑफर लगाई. यू सी, अब देखें मुझे क्या क्या नजर आ रहा है. मैंने जो ऑफर्स लगाई थी इनकी स्टेटमेंट्स मुझे नजर आना शुरू हो गई हैं. ठीक है, नाम आ रहा है और ये देखें एक तस्वीर आ रही है. ये देख रहे हैं, ये गिग आर्ट है जो आप लोग लगाते हैं, जो मैं लगाता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर शुरू में दिखाया आपको, आई विल गो बैक एंड आई विल शो यू ऑन द डैशबोर्ड. ये जो पिक्चर है ऑन द प्रोफाइल, या इट्स इन द प्रोफाइल. सो इन दिस प्रोफाइल अब ये पिक्चर है या ये पिक्चर है या ये पिक्चर है या ये पिक्चर है, जो भी पिक्चर है दिस इज गोइंग टू शो देयर. वो यहाँ पे नजर आनी है इस जगह पर. सो इस पिक्चर को देख के तो भाई मैं बिल्कुल भी इसको वीडियो एनिमेशन का काम नहीं दूंगा. आई वुड नॉट गिव हिम. दूसरा, इसकी जो तस्वीर है, इवन इफ ही इज लेवल वन, मुझे नहीं लगा कि इसका कोई स्टैंडर्ड है. देन ये शख्स लेवल वन सेलर है लेकिन कोई पिक्चर नहीं है. नॉट रियली really. इस तस्वीर से कुछ हद तक लग रहा है कि कुछ कर रहा है. ओके, गुड इनफ. फिर ये देखें, इसने भी पिक्चर नहीं लगाई हुई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा. नॉट गुड इनफ. हाँ थोड़े से हैं ये, मे बी आई विल जस्ट चूज. मैं थोड़ा देख लूंगा इसको स्लाइड करके कि ये क्या करना चाह रहा है. ठीक है, आई टेल यू विच वन आई वुड नॉर्मली गो विद. हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है, इसने अपनी तस्वीर लगाई, ये रियल बंदा लग रहा है. ठीक है, इसने अपनी तस्वीर लगाने की कोशिश की लेकिन गंदा काम किया हुआ. नॉट गुड इनफ. ठीक है, अब क्योंकि मैं चाह क्या रहा हूँ, यू सी मैं चाह रहा हूँ something to do with after effects. ठीक है, तो मेरा एक mindset है, मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ. वो मुझे पहला visual आपका ये नजर आ रहा है, so I need to see some visual of after effects. तो यानी कि जो gig है उसकी जो image है वो very important है. आप किसको choose करेंगे, like for instance look at this one. Okay, this is what I would say, ये maybe, या फिर यहाँ पर जो मैंने भी आपको दिखाया, maybe probably this one, या इसको I would contact or see more. ये देखिए, सिर्फ दो जुमले नजर आ रहे होते हैं. आप जो लंबी रामलीला सुना रहे होते हैं ना, वो उसके अंदर अब देखें जेनेरिक आंसर्स इनके. आई एम मीडिया, हेलो आई एम प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, आई डोंट नो ही इज अ गुड पर्सन, जो भी होगा. आई हैव विद ओवर 9 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल वीडियो. अरे भाई वो बताओ जो मुझे चाहिए, मैंने जो बात की वो उसके बारे में नहीं बता रहा. मोर क्लिक करता हूँ, कितनी लंबी कहानी है, मैं तो तंग पड़ जाऊंगा. आई वुड नॉट नॉर्मली रीड. तो कोशिश करें कि पहली दो जुमले में ही क्लियर हो जाए कि एक सैंपल किधर है. अब मैं सैंपल ढूंढ रहा हूँ, इसमें देखें सैंपल. देखें जी, इसने भाई साहब ने लिखा, आई विल मेक योर वीडियो कॉन्टैक्ट विद मी सर, आई एम विलिंग टू
डू योर वर्क कॉन्टेक्ट विद मी सर, तो ये कॉन्टेक्ट विद मी ये बेगिंग हो गई, हुएवर दिस इज जो भी अच्छा लेवल वन सेलर है ठीक है, लेकिन ये बेगिंग हो गई, डोंट डू दिस, मतलब इस तरह नहीं करना, उधर मतलब यहीं यहीं तो नहीं ना करना हमने, दिस वन इसने कोई अंदर लिंक नहीं भेजा, ओके ओके अल्फाज लिख दिए, बता रहा है बांग्लादेश से, यू सी बांग्लादेश से बता रहा है, मतलब मुझे बांग्लादेश से क्या है सर। अच्छा फिर इसी इसी के अंदर आगे देखें, कोई लिंक नहीं भेजा किसी ने, इधर किसी ने लिंक नहीं भेजा ठीक है, बट यू सी दिस वन लुक नाउ, इसको थोड़ी सी समझ आई है कैसे काम करना है। बेस्ट ऑफर उसने अपने आप को लिख दिया बेस्ट ऑफर, ये भी हैशटैग यूज किया, इसको पता ही नहीं है कि हैशटैग आगे चल नहीं रहे थे, हैश पोर्टफोलियो लिख दिया, ये भी बना बनाया जेनेरिक सा था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, सिर्फ ये हेलो सी दिस सैंपल लिख देता तो बहुत था, सो यू सी इज गिविंग मी अ सैंपल, ओके सो आई वुड प्रोबेबली गो ओवर देयर एंड सी ठीक है। और इसने बाकी आगे हाईलाइट करके कुछ कुछ लिखी हुई हैं और लिंक्स जो मुझे नजर आ रही हैं, तो विच आई माइट ट्राई ठीक है। हे देयर आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, और भाई ये बताने की जरूरत नहीं है, सो ये मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि किसी चीज़ की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये बहुत बहुत यू नो टिपिकल हो जाता है, डोंट डू दैट ठीक है। सो नाउ आई हैव शोन यू कि लोगों को क्या नजर आ रहा होता है, सो आई जस्ट गो बैक, सो लेट्स रैप इट अप। लास्ट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एनालिटिक्स, ताकि आपको सब कुछ फेयरली कैंडिडली नजर आ रहा हो, लेकिन टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर्स मैंने अभी तक सिर्फ 9 ऑर्डर्स इस वाले जो अकाउंट है उस पर किए, आई हैव मोर अकाउंट्स एज वेल, और वी हैव अर्नड ऑलमोस्ट 600, लेकिन रिक्वायरमेंट फर्स्ट लेवल की थोड़ी होती है, दैट इज फॉर श्योर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दीज आर द स्टैंडर्ड्स जो मुझे मीट करने हैं लेवल वन बनने के लिए। रिस्पॉन्स रेट 100% है, बहुत लोगों को रिस्पॉन्स रेट का मसला होता है, जी मेरा रिस्पॉन्स रेट ठीक नहीं आ रहा, अरे भाई जब लोग मैसेज करते हैं उनका जवाब दीजिए सिंपल। कंप्लीशन रेट 100% है, मेरा ये ड्रॉप हो गया था एक कैंसल्ड ऑर्डर की वजह से, कैंसल्ड ऑर्डर भी मेरी वजह से नहीं था, वो कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया था उसका अकाउंट बंद हो गया, तो मैंने क्या किया, आई मैसेज दिस इशू टू फाइवर सपोर्ट, और उन्होंने ये फिक्स कर दिया। ऑन टाइम डिलीवरी का एक इशू बन रहा है, ये 90% होनी चाहिए, मेरी 89% है, एक चीज़ लेट हो गई है, उसके लिए मैंने रिव्यू के लिए भेजा हुआ है कि मैंने नहीं लेट की, कस्टमर ने लेट किया था। रेटिंग 5 स्टार है, डेज विदाउट वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं ली है मैंने, ये वार्निंग्स कब मिलती है मैं आपको बता देता हूँ, जब आप दूसरों से कहते हैं मुझे रिव्यू दो, फेवरेट्स करवाएं, ये डिफरेंट टेक्टिक्स जो आप यूज करते हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अर्निंग्स $400 मिनिमम थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑर्डर्स 9 हो चुके हैं, एक और करना है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सेलर सीनियोरिटी मतलब 60 दिन कम से कम मुझे गुजारने पड़ने हैं, अनफॉर्चुनेटली 47 डेज हो चुके हैं अकाउंट बने हुए और काम किए हुए ऑलमोस्ट 35-40 दिन जितने भी हैं हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल ओपन क्लीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, तो अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो वो जरूर पूछे। लास्ट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ ऑन प्राइसिंग, वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको एंड तक रोका था, दैट आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ, जरा गौर से देखिएगा। I have this bestseller one right now, short video ad. I have this is my own created one. मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि जो है ये कॉपी भी कर सकते हैं आप, वो ऑब्वियसली वो इसलिए बताया कि भाई जब तक आपने स्किल नहीं हासिल की तो आप ये कर लें। अब देखें मेरी कोई डिटेल नहीं है इसके अंदर इतनी ज़्यादा, वी क्रिएट videos लाइक वी लव them. सिंपल सी बात लिखी है, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली। $190 लगाए हैं वजह, बिकॉज आई नो मैंने क्वालिटी देनी है। $180 मैंने इधर लगा दी, अगर कोई आके देखता भी है जिसको क्वालिटी चाहिए वही आएगा, तंग नहीं करेंगे लोग मुझे। एंड आई हैव गुड रिव्यूज एज वेल जो नीचे आ रहे हैं, विच यू कैन सी हियर। ओके सो माय सेकंड पैकेज इज $335 एंड $555, सो आई हैव केप्ट इट हाई, आई हैव डेलिबरेटली केप्ट इट हाई। तो मुझे जो इसके ऊपर 3 रिव्यूज मिल चुके हैं, दे आर 5 स्टार, सो सूनर और लेटर व्हेन इट इज गोइंग टू ग्रो दे आर गोइंग टू फील के यार ये जो कंपनी है ये काम सही कर रही है। सो That's how it is. बिल्कुल छोटा ऑफर मैंने एक लगाने के लिए जो छोटे शॉप पे छोटे छोटे काम होते हैं सिर्फ उसको $5 के ऊपर रखा हुआ, ये देख रहे हैं आप। बाकी सब मेरी gigs are high selling, जैसे ये है वीडियो एनिमेशन है, इसके ऊपर भी I've kept it 200 all in one. मैंने एक पैकेज लगाया हुआ है, मैं सबको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोग ये ना कहें खुद पता नहीं कितने पैकेज लगाता है, हमें गिग बनाते वक्त कहता है एक पैकेज बना लो। 30 seconds रन टाइम बताया हुआ है, $200 लेते हैं, एक मिनट की बनाएंगे या 45 सेकंड की बनाएंगे $300 ले लेते हैं। वी हैव डन इट, आपको मैंने दिखा भी दिया। सो दिस इज प्रीटी मच इट, ये सब कुछ आपके सामने है, ओपन है। इफ यू नीड एनी हेल्प, कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हो, एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू, please let me know, hit me up, you know my contact number, you know my details as well, we are here to help you all, so stay safe and make a lot of money, thank you.